राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गुजरात कांग्रेस ने राजकोट बंद का ऐलान किया है। 25 मई को हुए इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा बढ़ाने और गैर कानूनी गेम जोन संचालन में शामिल बड़े अधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ऑनलाइन बातचीत की और पीड़ितों से भी संपर्क किया। इसके बाद गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल राजकोट पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्वक बंद को सफल बनाने की अपील की। राजकोट में आज बंद के आसार हैं, जिसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विभिन्न व्यापारी संगठनों का समर्थन मिला है। कांग्रेस का कहना है कि यह बंद राजनीतिक नहीं बल्कि मृतकों के परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए मानवीय कदम है। राज्य सरकार द्वारा गठित SIT और एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में राजकोट नगर निगम के अधिकारियों की संपत्ति के मामले में अनियमितताएं सामने आई हैं। हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। राजकोट पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए बंद करवा रहे कार्यकर्ताओं की धर पकड़ भी की है। बराबर कर ली थी। अरे भाई सागतिया ना बॉस पण छे ना पाने क्यों करता आता ये बदा के महीने सुधी तपास नहीं जती भाई। नानी माछलियों नहीं मगरमच्छों पकड़ाए तो जेनी धाक अरे एवी धाक उभी थशे तो आखा गुजरात मां मारा कोई निर्दोष नो गुजराती नो जीव दीकरो दीकरी के कोई पण साथी नो नहीं जाय कान के तंत्र सचेत पर बंधारण मां आपणा लोकोना जान माल नी सुरक्षा नी जवाबदारी सरकार माथे पण नथी कहेतो कोई निर्दोष होय खोटू काम करनारो दोषित छे पण ए खोटू काम करे अने जेनी जवाबदारी छे न चलावा देवू जोईए चलावा दे મોટા મોટા અધિકારીઓ હવે જ્યાં કમિશનર જાય જ્યાં કલેક્ટર જાય જ્યાં નમસ્કાર બતાઈએ। राजकोट में एक टीआरपी गेमिंग जोन गैर कानूनी तरीके से पूरा ये टीआरपी गेमिंग जोन चल रहा था। अचानक वहां पर आग लगी और जब वहां पर ब्लास्ट हुआ तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर की परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा। विक्टिम फैमिली के साथ बीजेपी के विधायक सांसद लोकल लीडर्स और जिस राजकोट शहर ने विजय रूपाणी को गुजरात का CM बनाया कोई भी संवाद करने को तैयार नहीं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस का ट्रायल चले। ये पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था। एग्जिट और एंट्री एक ही थी, बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं था, नो फायर सेफ्टी नॉर्म्स। जैसे ही घटना घटी पहला रिएक्शन ये था कि ये कॉर्पोरेशन को पता नहीं है। परिवारों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? टीआरपी गेम जोन चल रहा था उसमें मेरी छोटी बहन 19 साल की थी, वो जॉब कर रही थी वहाँ, और उसमें मैं 2-3 बार गई थी। वहाँ फायर सेफ्टी का कोई भी सामान नहीं था, कोई फायर सेफ्टी नहीं थी, कोई हमारे घर आके किसी ने हमने हमें ऐसे बोला भी नहीं कि आप कैसे हो, आप पे क्या बीत रहे, आपका सर्जन चला गया, उसके बारे में भी किसी ने कोई नहीं बोला। ये जो ब्लास्ट हुआ था ये कोई गैस था या क्या था, ये किसके कारण हुआ, बिजली के कारण हुआ था? इसमें 1500 लीटर तो पहले सर वहाँ पेट्रोल था, 2000 लीटर केरोसिन था। सबका ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा कांड हो रहा है तो